हेलो गाइस, ऐसे स्वाति आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जिसमें शक्कर से भी ज़्यादा मीठे दिल वाले डिटेक्टिव जॉन शुगर के आपको दर्शन होंगे। सीरीज़ का नाम है शुगर, जिसे आप एप्पल टीवी प्लस पर देख सकते हैं। इसमें 8 एपिसोड्स आएंगे जिनमें से 3 एयर हो गए हैं, जिनका रन टाइम लगभग 40 से 50 मिनट्स के बीच का है। यहाँ पर गोर और प्रोफानिटी माइल्ड है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है, एडल्ट सीन्स अभी पहले 3 एपिसोड्स में तो कोई भी नहीं है। अब अगर थीम के बेसिस पर मैं इसे रिकमेंड करूँ तो I would recommend this series only for adults. चलिए हम इस सीरीज़ के एसेंस की बात करते हैं। क्राइम थ्रिलर जॉनरे ऑडियंस के बीच काफ़ी पॉपुलर रहता है, उसमें भी स्पेसिफिकली डिटेक्टिव फिक्शन। पास्ट फ्यू डेकेड्स में बहुत से डिटेक्टिव कैरेक्टर्स गढ़े गए हैं, जिनमें से कुछ ही हैं जो हमारे मन पर अच्छी खासी छाप छोड़ पाए हैं और जिनकी वजह से उन्हें हम आज भी याद रखते हैं। जब हम ये सीरीज़ शुगर देखेंगे तो जिसमें जॉन शुगर का कैरेक्टर है, ये उसी याद रहने वाले डिटेक्टिव्स की लिस्ट में ऐड हो जाएगा, कॉज उसकी एक यूनिक स्टाइल है जो हमें काफ़ी फैसिनेट करती है और क्यूरियोसिटी बढ़ाती है कि आखिर ऐसे ये क्यों बिहेव कर रहा है। जैसे वो बहुत ही लैविशली जीता है, सेकंड उसे वायलेंस पसंद नहीं है, तो जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत डाइकोटमस हैं, थर्ड कि उसे ड्रग्स की तलब रहती है। अब जब ये सीन आता है तो हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर इतना समझदार इंसान जो दूसरों को मना कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी रही है जो वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। साथ ही ये हाई पेड क्लाइंटल्स के ही कामों को करने के लिए तैयार होता है और अपने नाम की तरह ही इसका दिल भी शुगर का है, यानी बहुत दयालु। यहाँ पर कॉलिन फैरल, जिन्होंने शुगर का रोल प्ले किया है, उनका मानस श्याम इस कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर को बहुत सूट कर रहा है कि कैसे अंदर से दबाए हुए इमोशंस उसे बाहर नहीं दिखाने हैं कि वो कितना परेशान है, उसके मन में क्या कुछ टर्मोइल्स चल रहे हैं, बल्कि उसे अपने आप को बाहर बहुत कॉन्फिडेंट पोर्ट्रे करना है, जिसे कॉलिन बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर दिखा पाए हैं। साथ ही अपनी हर सीरीज़ की तरह एप्पल टीवी ने इस सीरीज़ पर भी काफ़ी पैसा खर्च किया है, जहाँ आपको विंटेज कार्स, फैशनेबल क्लोथ्स और बड़े बड़े पॉश सेट्स दिखाई देंगे जो आपको थ्रू आउट द सीरीज़ मेसमराइज कर रखेंगे। अभी पहले 3 एपिसोड्स को देखने के बाद जो क्लूज मिले हैं, उनके बेसिस पर जो कहानियों का जाल बुनकर तैयार हुआ है, उसने मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी है इस सीरीज़ को लेकर, और उन्हीं के बेसिस पर मैं सीरीज़ को देती हूँ 9 out of 10। अब बात करते हैं पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, जिसे मैं आपको बताऊंगी और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ शुरू करनी है या नहीं करनी है। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो व्हाट द सीरीज शुगर, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो जॉन शुगर अभी अभी जापान के यकूजा का काम ख़त्म कर अमेरिका वापस आए हैं, और यहाँ आते ही हॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर जोनाथन सीगल की पोती ओलिविया को ढूंढने का काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है। जब उन्हें पता चला कि ओलिविया ड्रग एडिक्ट थी और उन्होंने ओलिविया की फ़ोटोग्राफ देखी, तब जो सैडनेस उन्होंने उसकी फ़ोटोग्राफ में देखी आंखों में, उससे उन्हें अपनी बहन की याद आई और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ये काम तो उन्हें करना ही है, जबकि उनकी एजेंट बार बार इस काम को करने से उन्हें मना कर रही थी। फ़िलहाल तो उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही है, हाथ में उनके ट्रबल्स आते हैं, कंटिन्यूसली उन्हें मेडिकेशन पर रहना पड़ रहा है, और साथ ही कुछ ऐसे काम उन्होंने अपने पास्ट में किए हैं जिसका गिल्ट और रिमोर्स कंटिन्यूसली उनके मन में बना रहता है। फाइनली जब शुगर इस मिसिंग केस की गुत्थी सुलझाने के लिए बैठते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इस डिसफंक्शनल फैमिली में तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। यहाँ पर ओलिविया के पिता ही इस इन्वेस्टिगेशन को जेपरडाइज करना चाहते हैं। धीरे धीरे गुत्थियाँ खुलती रहती हैं और शुगर को पता चलता है कि ओलिविया की मदर की जो डेथ हुई थी, वो ओलिविया की डेथ से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। साथ ही दूसरी लड़की का भी एक मर्डर और रेप हुआ है, उससे भी ओलिविया का केस कनेक्टेड पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ अलग अलग जगह पर मिलती रहती हैं। अब किस तरीके से ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके एक स्टोरी निकाल लेंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इवेंट्स बहुत अच्छे से टर्न आउट हो रहे हैं सीरीज़ में। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्यूरियोसिटी का लेवल है, जो थ्रिल का लेवल इस सीरीज़ ने शुरू में मेंटेन किया है, यही आगे कंटिन्यू रहेगा, तब तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी निकल कर आने वाली है। चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की।
जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे लगा है वो है इसका वेल रिटन मिस्ट्रीटेस स्क्रीन प्ले। यहाँ पर आपको क्लूज़ मिलते हैं और ये सारे क्लूज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इनके साथ जो भी सीक्रेट्स अनरावल होते हैं वो एक बढ़िया स्क्रीन प्ले तैयार करते हैं। यहाँ पर डायकोटोमी भी आपको देखने को मिलती है कि जहाँ एक और शुगर को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लोगों में अच्छाइयाँ देखता है, बार बार उन्हें उस अच्छाई की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है, इवन आगे बढ़कर एफर्ट लगाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस लाइन में वो काम कर रहा है वहाँ पर इसी तरीके के लोग मिलते हैं जिन्हें वायलेंस के थ्रू ही टैकल किया जा सकता है। तो ये जो उसका प्रोफेशनल और पर्सनल चॉइसेस है ना, वो बहुत एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स में जाते हुए यहाँ पर दिखती हैं। साथ ही यहाँ पर स्क्रीन प्ले ऑडियंस को और ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए जॉन शुगर की भी कहानी लेकर आता है कि आखिर उसके पास लाइफ में क्या चल रहा था, उससे और कौन सारे लोग कनेक्ट हैं, और जो मिसिंग गर्ल ओलिविया है उससे भी रिलेटेड लोगों की छोटी छोटी कहानियां आती रहती हैं। तो ये जो सबप्लॉट्स होते हैं ये हमें पूरी तरीके से कहानी के साथ बांधे रखते हैं। स्क्रीन प्ले ने ये कमाल बहुत अच्छे से करके दिखाया है। क्रिएटिव डायरेक्टर फर्नांडो मिरालेस ने इसे नोयर बनाया तो है, लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट है वो कोई डिल्यूजनल या शेडी कैरेक्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा एंटी हीरो नहीं है, बल्कि उसकी जो चॉइसेस हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं। पर्सनली उसे वायलेंस पसंद नहीं है, बट जिस प्रोफेशन में है वहाँ वायलेंस के बिना काम चलना नहीं है, सो वो वायलेंस को मिनिमल रखने की कोशिश में लगा रहता है। साथ ही इसकी जो पास्ट कुछ नॉन अमेंडेबल मिस्टेक्स हुई हैं उसकी गिल्ट और रिमोर्स ये अपने अंदर लेकर चलता है, वो सारी चीज़ें इस कैरेक्टर को बहुत ही यूनिक बनाती हैं और बहुत ही यूनिकली हम तक पहुंचाया भी गया है और हम मेस्मराइज रहते हैं इस कैरेक्टर के साथ कि आखिर ये इतना अच्छा होते हुए भी इस वायलेंस की फील्ड में कर क्या रहा है। अब अगर हम इस सीरीज़ के ड्रॉबैक की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव है वो है इसका स्लो पेस होना, लेकिन ये एक्सट्रीमली स्लो बर्न नहीं है। बट अगर आप इसे 2 घंटे की क्राइम थ्रिलर फास्ट पेस मूवी से कंपेयर करेंगे देन ऑफ कोर्स ये आपको स्लो लगेगा, बट शुरू के एपिसोड्स में कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए और स्टोरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा टाइम लिया जाता है। होपफुली जब इसके मिड सेक्शन वाले एपिसोड्स आएंगे तब इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, शायद अभी तो स्लो ही है, तो ये एक शुरुआती आपको ड्रॉबैक का लग सकता है। बाकी शुगर सीरीज़ को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जॉनरे ब्लेंडिंग करी गई है और इस सीरीज़ को साईफाई टच दिया गया है। अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी अभी जो 3 एपिसोड्स आए हैं उन्हें तो मैंने इन्जॉय किया है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।